हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एब्सोल्यूट हेल्थ पर। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग कुछ एक नया सीख रहे हैं, हर बार एक नया आसन सीख रहे हैं या प्राणायाम सीख रहे हैं। आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन वो क्या सीखने वाले हैं मैं बताने वाला हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो सारे मिलते रहें। तो अभी बात करते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं। आज जो हम लोग आसन सीख रहे हैं उसका नाम है वीरभद्रासना और वॉरियर पोज। तो इसके तीन चार जो वेरिएशन है, लेकिन आज हम सीखने वाले वो एक ही वेरिएशन सीखने वाले हैं। उसके बाद जो बाकी वेरिएशन है वो भी आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे। तो कैसे करते हैं, उसे क्या फ़ायदे हैं और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक बार करके देख लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं कैसे आपको करना है विद प्रॉपर टेक्निक। ठीक है, तो भी क्या करते हैं, पहले आप एक काम करेंगे, ये देखिए ये लेग्स वाइड है, ये इसका लेने का टेक्निक है। प्रॉपर जो इसके ऊपर जो आने का जो होता है उसका दो तीन तरीके से आप जा सकते हो। ये एक पहला है कि कंफर्टेबल अपना लेग वाइड कर लीजिए, और उसके बाद क्या करना है आपको, एक साइड में भले आप राइट साइड में टर्न ले लीजिए या लेफ्ट साइड में टर्न ले लीजिए, आप ऐसे टर्न ले लेंगे। देखिए आप ऐसे थे, अभी आप ऐसे हो गए कंफर्टेबल। यहाँ जितना ये कंफर्टेबल है यहाँ पर, उतना ही आपको उधर वाले साइड में भी कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या करना होता है, ये तो आपने देख लिया कैसे नॉर्मली होता है। एक आप नॉर्मल टर्न ले लीजिए, एक हाथ एक लेग आगे ले लीजिए और फिर थोड़ा सा पीछे लेके देख लीजिए, जितना कंफर्टेबल हो पा रहे हैं उतना आप करेंगे। ये हो गए दो तरीके। एक और होता है, उसमें क्या करना होता है, आप नॉर्मल ऐसे हो जाइए और फिर जो हम लोग जंप लेके भी इसको कर सकते थे कि ये तीसरा हो गया। लेकिन क्या है ना कि मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला करिए कि ईजी हो जाता है और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आप कहाँ कंफर्टेबल हैं उसके अंदर। तो टर्न ले लिया आपने, अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, वन काउंट पे आप अपने अंदर काउंट कर लीजिए कि वन में क्या करना है आपको, ये नी बेंड करना है ऐसे और जो हाथ है उसको यहाँ रखना है घुटने के ऊपर ऐसे, ये देखिए, और पीछे वाला लेग ऐसे रखना आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसे बैलेंस नहीं आ पा रहा तो एक काम करेंगे आप ऐसे रख लीजिए साइड में, तो आप थोड़ा सा बैलेंस के लिए आपको ईजी हो जाएगा। लेकिन ये आपका पोजिशन जो है प्रॉपर थोड़ा सा बिगाड़ेगा, तो आप ट्राई कीजिए इसको सामने रख के ही ऐसे ही करें। अब यह करना वन के अंदर आप नीचे आ गए, ये अभी यहाँ से टू के अंदर आपको क्या करना है, ब्रीथ इन करते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है और जो दोनों हाथ ऐसे पूरा जो ये एल्बो स्ट्रेट रखते हुए और एक फेस है ना वो भी साथ में इसके ऊपर लेके जाना है, ऊपर की तरफ देखना है। तो ब्रीथ इन करते जाएंगे, ये फेस ऊपर पूरा इस पोजिशन को होल्ड करेंगे 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड, जहाँ तक कंफर्टेबल हो वहाँ तक इसको होल्ड करेंगे एंड फिर वापस दूरी आउट करके नीचे आएंगे एंड फर्स्ट पोजीशन। तो ये तो हो गया वन टाइम। अभी आप चाहें तो तीन बार एक साथ में इधर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा दुखने लग गया, आप नए नए हैं, अगर आप नहीं हो पा रहा, आप क्या करेंगे कि चेंज कर लेंगे। तो चेंज कर लीजिए, आप इधर वाली साइड में आ जाएंगे। तो अभी क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड के अंदर हम लोग करेंगे। तो सेम वैसे ही ब्रीदिंग करते जाइए नीचे, अभी ब्रीदिंग करते ऊपर एंड इसको होल्ड करेंगे 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड, जितना हो सकता है उतना ब्रीथ को भी, और फेस ऊपर रखेंगे। ठीक है, सामने नहीं रखना है, ऐसे ऊपर रखेंगे फिर नीचे। ये हो गया इसका करने का तरीका, देखिए कैसे करना है। और ध्यान रखिए कि ये हम लोग ने तीन तीन बार करना है, तीन बार आपको इधर करना है, तीन बार आपको ये साइड में करना है। और आपको लगता है कि इधर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप दोनों साइड में नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपने अभी राइट साइड से किया, अभी क्या करेंगे आप लेफ्ट लेग को इधर से भी आप कर सकते हो वन साइड से भी, वो कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया कि हम लोग कैसे करते हैं। अब ये बताइए आपको कितनी बार करना है, तीन बार आपको करना है, तीन बार राइट लेग से, तीन बार लेफ्ट लेग से। अभी बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या है। देखिए पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक्टिवेट हो रही है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी बॉडी पार्ट जो मसल्स आपका यूज़ नहीं होता है वो भी इसमें आप यूज़ कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी के लिए आपको ना एक अवेयरनेस आ जाती है कि अच्छा ये मसल्स भी है मेरे पास, मैं यूज़ नहीं कर पाऊँ कभी वो भी। दूसरा, जिन लोगों का काफ का इशू होता है, काफ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या थाई स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। किसी के जगह डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता है तो उसको भी ये सही करता है। ये कितना पसीना हो गया देखिए, ये क्या हम लोग पूरा जब ऊपर करते हैं तो पूरा लंग्स और चेस्ट वाला एरिया ना ये ओपन होता है पूरा का पूरा। तो जिन किसी का भी अगर जो हार्ट है वो अगर वीक है
लंग्स से जो वो भी अगर वीक है तो उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप ऊपर ले जाते हैं ब्रीथ को होल्ड करते हैं तो जो लंग्स है उनके अंदर भी ब्रीथ को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है, जिसका आपका स्टेमिना भी बढ़ जाता है। किसी का अगर शोल्डर का इशू है वो भी इसे ठीक हो जाता है, और थोड़ा अगर नी का इशू थोड़ा बहुत तो भी इसे ठीक होता है। अभी बात करते हैं किसको नहीं करना। पहला, जिनको अगर नी का बहुत ज़्यादा इशू है बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा, अगर किसी को नी अगर गर्दन का इशू है तो आप गर्दन को ऐसे ऊपर करके नहीं करेंगे, फिर आप सामने रख के करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप गर्दन से पूरा करते हैं, पूरा स्ट्रेच होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इशू हो जाएगा। लेकिन आप ऊपर ये कर रहे हैं तो क्या होता है, जिन लोगों को थायराइड होता है उसको ये क्योर करता है, क्योंकि पूरा 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 नेक आप जो है एक्टिवेट हो जाता है। ये जिनको भी थायराइड का इशू होता है वो इससे क्योर होता है। ये तो बात हो गई कि इनको नहीं करना। आपने ये वीडियो देखा अच्छा लगा तो एक काम करिए, इसको शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई इशू है जो आपको लगता है कि यार इस पर मुझे एक वीडियो चाहिए, तो आप वो ना कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।